स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, फ्लो चार्ट में प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखिए। तो फ्लो चार्ट में प्रयोग होने वाले चिन्हों के नाम इस प्रकार हैं, टर्मिनल बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, फ्लो लाइन्स, कनेक्टर्स लाइन आदि। अगला है, स्यूडो कोड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी समस्या के समाधान को अंग्रेजी भाषा में बिंदुवार लिखना स्यूडो कोड कहलाता है। अगला है, असेंबलर की परिभाषा दीजिए। तो असेंबलर असेंबली भाषा को पढ़कर उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला है, कंपाइलर के एक पेज से आप क्या समझते हैं? कंपाइलर के एक पेज से तात्पर्य है कि यह संपूर्ण प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक ही बार में मशीनी भाषा में बदल देता है। अगला है, कंपाइलर की उपयोगिता बताइए। कंपाइलर किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। अगला है, इंटरप्रेटर की परिभाषा दीजिए। यह किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला है, 4GL का उदाहरण दीजिए। 4GL चतुर्थ जनरेशन लैंग्वेज के उदाहरण SQL, नेट, C++, फोकस, सन स्टूडियो वन, अथारिंग एनवायरमेंट आदि हैं। है, 4GL की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह भाषा सीखने एवं प्रयोग करने में अत्यधिक सरल है। यह भाषा किसी मशीन पर निर्भर नहीं करती है। अगला है, HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग होता है? HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए STM या HTML एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, टैग का कार्य बताइए। टैग का प्रयोग HTML वेब पेज बनाने में किया जाता है। अगला है, OOP को समझाइए। यह ऑब्जेक्ट पर आधारित है जिसकी सहायता से हम किसी क्लास के डाटा को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा के कोई दो उदाहरण लिखिए, C++ तथा जावा। अगला है, ऑब्जेक्ट की एक वाक्य में व्याख्या कीजिए। किसी भी क्लास के डाटा तथा फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, क्लास की व्याख्या केवल एक वाक्य में कीजिए। क्लास डाटा एक फंक्शंस का संयोजन रूप है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अगला है, इनहेरिटेंस क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कहलाता है। अगला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा के दो उपयोग लिखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा के निम्न दो उपयोग हैं, पहला एक्सपर्ट सिस्टम और दूसरा रियल टाइम सिस्टम में। अगला है, फंक्शन शब्द को समझाइए। प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना जो किसी विशेष ऑपरेशन या कार्य उद्देश्य को पूरा कर सकें, फंक्शन कहलाता है। अगला है, फंक्शन के क्या उपयोग हैं? फंक्शन का उपयोग गणितीय गणनाएं करने के लिए किया जाता है। अगला है, tanx फंक्शन का प्रयोग लिखिए। tanx फंक्शन किसी कोण x की टेंजेंट ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। अगला है, फंक्शन को डिक्लेयर करने का प्रारूप लिखिए। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट। अगला है, किसी फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? किसी फंक्शन को किसी प्रोग्राम में उसका नाम देकर उसके साथ वास्तविक पैरामीटर को लगाकर एक कोष्ठक के अंदर रखकर तथा सेमी कॉलन लगाकर कॉल किया जाता है। अगला है, लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? जहां वेरिएबल एक फंक्शन या ब्लॉक में प्रयोग किए जाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं।